एवरीवन, पिछले वीडियो में आप लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा था. अ नाउन इज जनरली, एज यू नो, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और अ क्वालिटी. तो इस वीडियो में आप लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे. तो हियर्स द पीडीएफ. ओके, यू कैन सी. यस, सो प्रोनाउन का डेफिनेशन देखो, शुरू में ही दिया है. प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन दैट इज यूज्ड अर्लियर. ठीक है, तो प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन के प्लेस पे रिप्लेस होता है. कौन सा नाउन? जो सेंटेंस में या प्रीवियस सेंटेंस में ऑलरेडी यूज्ड है. ओके, सो सी नेक्स्ट. फॉर एग्जांपल, नीरज इज अ बॉय, ही इज माय फ्रेंड. ओके, तो ही जो है यहाँ पे वो प्रोनाउन है. वो किसको रिप्लेस किया है? नीरज को. ओके, नेक्स्ट देखो, वी यूज ही इंस्टेड ऑफ नीरज और द बॉय. अ प्रोनाउन कैन फंक्शन एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस. ठीक है, तो प्रोनाउन का सेंटेंस में थ्री यूजेस हो सकते हैं. वो एक सब्जेक्ट हो सकता है, वो एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, या एक कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है. कॉम्प्लीमेंट मोस्टली ओनरशिप. एग्जाम्पल देखो, ही इज माई फ्रेंड. ठीक है, तो ही देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज हुआ है. ओके, नेक्स्ट देखो, आई मीट हिम यस्टरडे. हिम जो है वो ऑब्जेक्ट के ही प्लेस पे यूज हुआ है. नेक्स्ट देखो, द पेन इज माइन. ये माइन जो है ये कॉम्प्लीमेंट होता है. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जैसे जैसे हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट देखो, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. देर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, नेमली पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, इम्फेसाइजिंग और इंटेंसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनाइट एंड रिलेटिव प्रोनाउंस. ओके, सो द फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस का डेफिनेशन देखो, पर्सनल प्रोनाउंस रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग एंड चेंजेस इट्स फॉर्म टू इंडिकेट पर्सन, नंबर, जेंडर एंड केस. आई, वी, यू, इट, दे, एक्सेट्रा. ओके, तो पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है? वो जनरली किसी पर्सन के, पर्सन को रिप्लेस करता है या किसी थिंग को रिप्लेस करता है. ओके, एग्जाम्पल्स दे दिए हैं. नीचे देखो, एक टेबल बना है. ठीक है, उसमें पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट जो कॉलम है, जिसमें टू डिविजन्स भी हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, एज यू कैन सी. ओके, तो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन वो होता है जो सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज करते हैं, और ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन वो होता है जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज करते हैं. ओके, सो सी द नेक्स्ट पेज. यू कैन सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली क्या होते हैं देख लो. नंबर वन जो है वो ये लिखा है कि देर आर 3 केसेस ऑफ प्रोनाउंस. ओके, दीज आर सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉसेसिव. ठीक है, तो प्रोनाउन को हम लोग 3 वेज में यूज कर सकते हैं. ठीक है, जनरली प्रोनाउन देखो क्या कैसे कैसे होता है. एग्जाम्पल ये जो तीनों हैं वो देख ही लो. ओके, देखो, ही सॉ अ कैट. ही इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, तो ही जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज हुआ है. ठीक है, जैसे पहले पिछले पेज में हम लोगों पढ़े थे. ठीक है, नेक्स्ट देखो, महेश मेट हर. हर जो है वो शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है. टेबल में देखोगे शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है. क्लियर. वैसे ही देखो लास्ट वाला, दिस बुक इज योर्स. ठीक है, तो योर्स जो है इसी को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. ये एक पॉजिटिव केस होता है. पॉजिटिव मतलब ओनरशिप, वो प्रोनाउन जो किसी नाउन का ओनरशिप दिखाए. ठीक है, दिस बुक इज योर्स मतलब ये बुक जो है वो तुम्हारा है, ओनर तुम हो इस बुक के. ठीक है, तो यहां पे जो योर्स है वो यहां पे प्रोनाउन है. क्लियर. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखो, पर्सनल प्रोनाउंस हैव 3 persons. ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोलता है. सेकंड पर्सन जो उसे सुनता है. थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में बात होती है. वो वहां पे प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. क्लियर. नेक्स्ट नंबर 3 देखो, जेंडर्स. जेंडर सभी जानते हैं, 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स. यहाँ 3 ही मेंशन किया हुआ है. मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर एंड कॉमन जेंडर भी होता है. तो प्रोनाउन सिर्फ 3 जेंडर्स में यूज होते हैं. मस्कुलाइन, ही, हिम, हिज. ठीक है, मस्कुलाइन में यही 3 है. फेमिनाइन में शी, हर एंड हर्स. ओके, न्यूटर में मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है उसमें हम लोग न्यूटर जेंडर यूज करते हैं. तो इट, इट्स, दे, देम, देयर्स, ये सब जो है वो मोस्टली न्यूटर जेंडर के प्रोनाउंस है. नंबर 4 देखो, नंबर्स. ठीक है, प्रोनाउंस अब नंबर्स के लिए भी कैसे, मतलब नंबर्स क्या है ये देखो. पर्सनल प्रोनाउंस हैव द सिंगुलर एंड प्लूलर फॉर्म्स. ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस के 2 फॉर्म्स हैं, सिंगुलर एंड प्लूलर, एज वी हैव स्टडीड इन नाउन्स ऑल्सो. तो यहां भी वो चीज रहेगी. फर्स्ट देखो, सिंगुलर. सिंगुलर में क्या क्या है? सिंगुलर मतलब जो सिंगलली, मतलब जो सिंगलली डिवाइड बता सकते हैं हम लोग. ओके, देखो, आई, मी, माइन,
योर्स, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, ठीक है। तो ये सारे जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो उस जगह पे आप लोग ये सारे प्रोनाउंस को यूज करोगे। ओके, प्लूलर में देखो, वी, अस, आवर्स, यू, योर्स, दे, देम, देयर्स, ठीक है। तो ये सारे आप तब यूज करोगे जब आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूलर रहेगा। क्लियर। अब देखो, यूज ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, अब यूज कैसे करेंगे। देखो, सब्जेक्टिव का यूज देखो, एज सब्जेक्ट्स ऑफ अ वर्ब, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज सबसे पहला होता है कि आप सब्जेक्ट के जगह पे यूज करेंगे। जैसे देखो, आई नो हिम, ही इज हैप्पी, इन दोनों सेंटेंस में आई और ही जो है वो सब्जेक्ट के जगह पर है, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव यूज हुआ। एज कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वर्ब टू बी, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। इट इज आई, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया था पोजेशन होता है जो रिलेट करता है, ओनरशिप जो दिखा था, इट इज आई मतलब ये मैं हूं, ठीक है, या फिर ये मेरा है। क्लियर। नंबर बी देखो, ऑब्जेक्टिव का यूज, एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ऑब्जेक्ट्स टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके हटाने से सेंटेंस में कोई मीनिंग चेंज नहीं होती है, वो नहीं भी रहेगा सेंटेंस में तो सेंटेंस मीनिंगफुल होगी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके हट जाने से सेंटेंस अधूरा हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पे देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे कैसे यूज कर रहा है, आई सॉ हिम टूडे, ठीक है। तो हिम जो है वो देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हिम को अगर हटा दोगे तो आई सॉ टूडे, मीनिंग क्लियर नहीं हो रही है। क्लियर। और जैसे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसे अगर हटा देते हो, आई सॉ हिम टूडे को हटा दिया, टूडे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, टूडे को हटा दिया, ठीक है। तो देखो, आई सॉ हिम, इसका मीनिंग बन रहा है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का डिफरेंस था। यहां पे हिम जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस में यूज हुआ। नेक्स्ट पेज में देखो, पॉइंट नंबर टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल देख लो, ही गेव मी अ पेन, ठीक है। तो मी जो है यहां पे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर। नंबर थ्री देखो, एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद जो सेंटेंस का हिस्सा रहता है उसे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन मोस्टली इन, आउट, इनसाइड, फॉर, ये सब जो होता है वो प्रीपोजिशन होता है। क्लियर। तो प्रीपोजिशन के बाद जो लगेगा वो प्रोनाउन वो होगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर। ही वर्कड फॉर अस, ठीक है। तो अस जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी है और पर्सनल प्रोनाउन भी है। अब देखो, ही, शी, इट, ये सब, अरे ही, शी, दे, ये सब तो पढ़ लिया। अब प्रोनाउन इट जो है उसके कुछ अलग ही रूल्स हैं, फाइव रूल्स हैं, ज्यादा कुछ हार्ड ये नहीं है, आप लोग जानते हो, बस इसे समझ लो एक बार। एग्जाम्पल्स भर भर के दिया हुआ है इसलिए बड़ा लग रहा है ये, ठीक है। नंबर वन देखो, इट इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर न्यूटर प्रोनाउन, ठीक है। इट जो है वो थर्ड पर्सन होता है, सिंगुलर होता है, न्यूटर मतलब ये जेंडर डिसाइड नहीं कर पाएगा और ये नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। क्लियर। तो इट जो है ऐसे जगह पे यूज होता है। एग्जांपल्स देखो, फर्स्ट बस एक देखोगे एग्जांपल इसमें क्लियर हो जाएगा। देखो, लुक एट द क्रो, इट ऑलवेज सिट्स ऑन दिस वॉल, ठीक है। तो यहां जो इट का यूज देखो कैसे हुआ है, इट का यूज जो हुआ है वो क्रो के लिए हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नंबर टू, इट इज यूज्ड इन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, जब हम लोग को टाइम का एक्सप्रेशन देना है तब, डिस्टेंस, टेम्परेचर, वेदर भी होता है, यहां लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो इस ऐसे जगहों पे हम लोग नाउन के जगह पे इट प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देखो, इट इज वेरी कोल्ड हियर, इट इज 5 miles फ्रॉम दिस प्लेस, या डिस्टेंस हो गया, इट इज 4 PM, या टाइम हो गया। क्लियर। नंबर थ्री देखो, इट कैन रिप्लेस द टू इन्फिनिटिव इन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देखो, टू इन्फिनिटिव कैसे यूज होता है, टू के बाद जो सेंटेंस का पार्ट होता है उसे टू इन्फिनिटिव कहते हैं। तो देखो उसे चेंज कैसे करता है इट, ठीक है। देखो, टू फाइंड फॉल्ट इज ईजी, अब देखो क्या किया है, इज जो है ना, इज ईजी, ठीक है, इसके आगे इट को लगा दिया है और पूरे चीज को लाके आगे रख दिया है। जैसे देखो, इट इज ईजी, उसके बाद टू फाइंड फॉल्ट, टू के साथ जो वर्ब था उसे पीछे भेज दिया, टू फाइंड फॉल्ट, ठीक है। तो ये टू इन्फिनिटिव के जो सेंटेंसेस होते हैं, मतलब टू से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वहां पर भी हम लोग अगर हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वर के साथ अगर इट लगा के उसको आगे कर देते हैं तो वो प्रोनाउन वहां पे यूज हो जाएगा, ठीक है। नंबर फोर देखो, इट कैन रिप्लेस अ क्लॉज एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। इट जो है वो क्लॉज को रिप्लेस कर सकता है। क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस का एक पार्ट। फ्रेज और क्लॉज में हल्का सा डिफरेंस है, वो हम लोग फ्रेज और क्लॉज के चैप्टर में पढ़ लेंगे, अभी जान लो कि सेंटेंस का हिस्सा को क्लॉज कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल देखो इसका, दैट ही टोल्ड अ लाई इज अनफॉर्चुनेट, ठीक है। अब देखो इसे चेंज कर दिया है,
इट इज अनफॉर्चुनेट दैट ही टोल्ड लाई, कुछ नहीं किया है इसमें भी, बस जो हेल्पिंग वर्ब है उसके सामने इट लगा के बाकी के सेंटेंस को पीछे कर दिया है, क्लियर। नंबर फाइव देखो, इट ऑल्सो एक्ट्स एज सब्जेक्ट फॉर वर्ब्स लाइक अपीयर, लुक, सीम। इट अपीयर्स दैट ही विल कम, ठीक है, तो अपीयर, लुक, सीम, ये जो तीनों वर्ब्स हैं इसके सामने इट ही रहेगा हमेशा। इट लुक्स लाइक रेनिंग, देखो यहां पे वेदर दिया, इट लुक्स लाइक रेनिंग, क्लियर। ये था आप लोग का पर्सनल प्रोनाउन। अब स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन को, क्लियर। पॉजिटिव प्रोनाउन देखो क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन शोज पोजेशन और ओनरशिप। ओनरशिप मतलब मलकावा जिसे कहते हैं, ठीक है, जैसे कि ये बुक मेरा है, वो साइकिल उसकी है, तो ये सब जगह पे पॉजिटिव प्रोनाउन यूज होते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन देखो ये ब्लू में लिखा हुआ है, माइन, योर्स, हर्स, हिज, इट्स, आवर्स, देयर्स, बस पॉजिटिव प्रोनाउन में बस इतने ही एग्जाम्पल्स हैं। और इसके यूजेस जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे देख लो, नंबर वन जो यूज है वो लिखा हुआ है, अ पॉजिटिव प्रोनाउन कैन फंक्शन एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। पॉजिटिव प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है। सब्जेक्ट की तरह जब पॉजिटिव प्रोनाउन यूज होगा तो वहां पे हम लोग को नाउन पता नहीं रहता है, क्लियर। जैसे देखो, हर्स इज ऑन द टेबल, उसका टेबल पर है, उसका क्या है, बुक है, बैग है, पेंसिल, ये हमें नहीं पता, नाउन नहीं पता, लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस में यूज हुआ है। ठीक उसी तरह सेकेंड यूज भी थोड़ा सा वैसा ही है, देखो, अ पोजेसिव प्रोनाउन कैन फंक्शन एज द कॉम्प्लीमेंट, जैसे सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज किया वैसे ऑब्जेक्ट के प्लेस में भी यूज होता है। दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरा है। ये जो नोट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉजिटिव नाउन के यूजेस को थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन कर रहा है। तो इसमें देखो क्या है कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो डिटरमाइनर के बारे में है, कि पॉजिटिव प्रोनाउन एक डिटरमाइनर यूज करता है, मतलब जो डिटरमाइनर है उसके पीछे एक ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे दिस बुक इज माइन, सॉरी दिस इज माई बुक, ठीक है। तो यहाँ पे जो माई है वो प्रोनाउन, वो पॉजिटिव डिटरमाइनर है, ठीक है। अब इसको अगर पीछे भेज देते हैं, ठीक है, दिस बुक इज माइन, ये प्रोनाउन बन जाता है, ठीक है, पॉजेसिव डिटरमाइनर, पॉजेसिव प्रोनाउन बन गया यहाँ पे, क्लियर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और हल्का सा इजी भी है। रिफ्लेक्सिव और जो नंबर फोर है इम्फोसाइजिंग प्रोनाउन, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों के जो प्रोनाउंस हैं उसके एग्जांपल्स एक ही हैं, सबके पीछे सेल्फ लगा होता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है, देम सेल्फ्स, ये सब जो होते हैं ये सब रिफ्लेक्सिव और इम्फोसाइजिंग प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है रिफ्लेक्सिंग और इम्फोसाइजिंग में, बस इतना ध्यान से सुन लो। रिफ्लेक्सिंग जो टाइप है उसमें बस इतना जान लो कि ये सब्जेक्ट को फिर से उसी सेंटेंस में रिकॉल करता है, ठीक है, फिर से नोटिस करवाता है उसी सब्जेक्ट को, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ही लॉक्ड हिमसेल्फ आउट, ठीक है, तो मतलब उसने खुद को लॉक आउट कर लिया, समझ में आया। तो ये जो हिमसेल्फ है वो ही को फिर से रिकॉल कर रहा है उसी सेंटेंस में, ठीक है। अलग अलग यूजेस दिए हुए हैं यहाँ पे, एक बार गो थ्रू कर लोगे, पीडीएफ मैंने आपको भेजा हुआ है, उसमें गो थ्रू कर लो, अगर कोई डाउट्स होता है तो पूछ लेना, जनरली डाउट्स इसमें होंगे नहीं, क्योंकि बस इतना ही है कि सेल्फ पीछे लगता है, और अगर ये ऑब्जेक्ट के प्लेस में है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट के जस्ट पीछे लगाए तो इम्फोसाइजिंग प्रोनाउन हो जाएगा। इम्फोसाइजिंग प्रोनाउन का मतलब होता है कि वो सब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव डालता है, मतलब कि हाँ उसने ही किया। फर्स्ट एग्जांपल देख लो, द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ गेव द अवार्ड, मतलब चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने खुद से ही अवार्ड दिया, क्लियर। तो ये होता है इम्फोसाइजिंग प्रोनाउन। नंबर फाइव देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स आप लोग क्लास वन से आई थिंक पढ़े हो, दिस, दैट, दीज, दोज, यही चार होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। अब ये प्रोनाउंस कैसे हुए, प्रोनाउन क्या होता है, मैंने पहले बताया था कि जो नाउन को रिप्लेस करे, तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो चारों हुए ये किसी नाउन को रिप्लेस अगर कर रहे हैं तब वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे देखो, दिस इज माई बुक, ठीक है, दिस इज माई बुक, मतलब वो बुक को वो दिखा रहा है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ठीक है, दिस इज माई बुक। तो जैसे बुक का नाम अगर कुछ होगा, जैसे ग्रामर बुक, तो ग्रामर इज माई बुक, मतलब जो ग्रामर वाली है वो मेरी बुक है, तो दिस, तो ग्रामर के जगह पे दिस यूज हुआ है, ठीक है, एक नाउन के जगह पे प्रोनाउन यूज हुआ है, तो इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है, क्लियर। इंट्रोग्रेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोग्रेटिव वर्ड्स आप लोग पढ़े थे अभी तक, कि डब्ल्यू एच वर्ड्स जो होते हैं वो इंट्रोग्रेटिव वर्ड्स होते हैं। अब प्रोनाउंस क्या है देख लो, जो डब्ल्यू एच वर्ड किसी नाउन को रिप्लेस करे वो इंट्रोग्रेटिव प्रोनाउन बन जाता है, ठीक है। इंट्रोग्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं जनरली, इंट्रोग्रेटिव प्रोनाउंस का देख लो डेफिनेशन एक बार पढ़ लो, इंट्रोग्रेटिव प्रोनाउंस हु, हुम, विच, वॉट आर यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पर्सनल एंड नॉन पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है।
तो इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन है वो क्या करता है, पर्सनल प्रोनाउन से क्वेश्चन करता है. क्लियर? व्हाट डिड यू बाय, ठीक है. तो यू जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है, उससे वो क्वेश्चन कर रहा है कि तुमने क्या खरीदा. ठीक है, तो इसी तरीके से है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. ठीक है, आज 6 टाइप्स पढ़ लिया, बहुत है. बाकी के जो दोनों हैं वो कल कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा. ठीक है, तो आज जो 6 पढ़े हैं इसका एक्सरसाइज भी कर लेते हैं साथ में ही. एक्सरसाइज ये रहा एक्सरसाइज. ओके, सो सी दिस एक्सरसाइज 1 जो है उसके आंसर्स मैं बता रहा हूँ, लिखते चलना. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद पर्सनल प्रोनाउंस. ठीक है, कुमार इज अ रिच मैन, ही इज माई नेबर. कुमार एक बॉय है, मस्कुलाइन जेंडर है तो ही यूज होगा. ठीक है, वैसे वैसे आंसर्स बताते जा रहे हैं, लिखते चलो. मोहन सोहन एंड सतीश केम टू माई हाउस, आई हैड टी विथ देम, दे लेफ्ट आफ्टर हाफ एन आवर. नंबर 3, आई एक्सपेक्ट यू एंड योर फादर टू कम इन टाइम, डोंट डिसअपॉइंट मी. क्लियर? नंबर 4 देखो, टॉम का कन्वर्जेशन. Could you lend me your scooter, John? John's conversation. What happened to yours? ठीक है, Tom. It has been sent for repairs. John का देखो, What's wrong with it? Tom. Its engine is not working properly. Clear? And see the number 5, last वाला है ये इसमें. She has left her mother all alone. Clear? ये था एक्सरसाइज 1. एक्सरसाइज 2 अब कर लेते हैं. एक्सरसाइज 2 में ऑप्शंस भी दिया हुआ है. यस, ऑप्शंस दिए हुए हैं. इसमें करना क्या है कि यू विल हैव टू पुट द करेक्ट प्रोनाउन इन द ब्लैंक. ओके, सो सी दिस. नंबर 1, योर टू यंग टू गो आउट बाय योर सेल्फ. यू का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो योर सेल्फ होता है, तो यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग भर रहे हैं. ओके, ही टोल्ड अस टू डू इट बट वी फॉरगॉट. वी का जो है पोजेस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो अज होता है. हिज मशीन इज ड्राइविंग हिम क्रेजी. नंबर 4, स्विट्जरलैंड इज फेमस फॉर इट्स वॉचेस एंड चॉकलेट्स. नंबर 5, दे प्लान टू मूव देयर न्यू हाउस सून. नंबर 6, गिव इट टू हिम नॉट टू हर. नंबर 7, वी हैव डन आवर शेयर. नंबर 8, देयर नो सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी. ठीक है, नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3 देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यहां भी भरने हैं, बहुत ही इजी है ये. जैसे देख लो, आंसर्स बताते जा रहे हैं. नंबर 1 का हिमसेल्फ होगा, ही हिड हिमसेल्फ अंडर द टेबल. नंबर 2, वी वेंट देयर आवर सेल्स. नंबर 3, द कैट सीटेड इट सेल्फ ऑन द फ्लोर. आई डिड ऑल द वर्क माई सेल्फ. They paid the bill themselves. She saw all this herself. You should meet him yourself. Okay? नंबर 4 देखो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यहां पे भरना है, मतलब WH वर्ड्स यहां पे भरने हैं. ओके, नंबर 1 देखो, Who went with you to Calcutta? Which of these books is read by you? Who came here yesterday? What is wrong with you? What are डूइंग दिस डेज. यहाँ पे यू होगा, वॉट आर यू डूइंग दिस डेज, मतलब आजकल क्या कर रहे हो, आजकल क्या कर रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हो. ओके, स्टे सेफ. ओके, सेंटेंस नंबर 6, वाई डू यू वॉन्ट टू मीट. ओके, नंबर 7 देख लो, नेक्स्ट पेज में है. विच ऑफ दीज ड्रेसेस इज द कॉस्टलीएस्ट, मतलब एक्सपेंसिव. ओके, वॉट इज योर आंसर, हु लेफ्ट द लाइट्स ऑन. ओके, वॉट इज द नेम ऑफ योर ब्रदर. सो यहां तक रहने दो, बाकी के जो हैं वो इनडिफिनिट और मोस्टली रिलेटिव प्रोनाउंस के हैं, जो अभी तक हम लोग एक्सप्लेन नहीं किए हैं इसमें. ठीक है, तो मीट यू ऑल टुमारो विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके, थैंक यू ऑल.